सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कहानी। उस कहानी का नाम है घमंडी गुलाब। एक गुलाब अंधेरे से कमरे में रहता था। एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तखत होती है। गुलाब पूछता है, कौन है? तो बारिश की बूंद बोलती है, मैं बारिश की बूंद हूँ, कृपया करके मुझे अंदर आने दो। गुलाब बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। इसी तरह एक बार सूरज की किरणें आती है, उसे भी गुलाब ने अंदर आने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके पंखुड़िये भूरे होने लगते हैं और सूखने लगते हैं। उसको अपने व्यवहार पे बहुत दुख होता है। एक दिन बारिश की बूंद और सूरज की किरणें दोनों आती है। इस बार उसने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर थोड़े दिन बाद वो फिर से सुंदर हो जाती है और उसके पंखुड़िये लाल लाल हो जाते हैं। इससे हमें कहानी की शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।